स्टीव जॉब्स का नाम सुना है, उंगली ऊंची करे। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है, एप्पल कंपनी के को फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ। ये आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। उनके घर एक बार उनके मित्र निक बिल्टन को उन्होंने निमंत्रित किया कि आज रात को दोनों परिवार साथ में बैठ के भोजन करेंगे, तो डिनर पे इनवाइट किया। निक बिल्टन ने ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे खाते खाते पूछा स्टीव जॉब्स को कि विच आईफोन डू योर चिल्ड्रन यूज। आपके बच्चे कौन सा आईफोन यूज करते हैं? उनकी 13-14 साल की लड़की, 11-12 साल का लड़का। स्टीव जॉब्स ने निक बिल्टन को कहा कि आस्क देम, वे भी बैठे थे डाइनिंग टेबल पे दोनों बच्चे। दोनों बच्चे तो नीचा मुंह करके खाना चालू रखा। फिर से निक बिल्टन ने पूछा स्टीव जॉब्स को, यह प्रसंग निक बिल्टन ने स्टीव जॉब्स की आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, उसमें लिखा है, टाइटल ऑफ द बुक इज स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कहा कि आज तक मेरे बच्चों ने आईफोन का स्पर्श नहीं किया है, आईपैड का स्पर्श नहीं किया है। अब तालियां तो ही बजाना जब आप कुछ कल्चर्ड डिसिप्लिन अंडरस्टैंडिंग ये गैजेट्स के बारे में आपके फैमिली में लाने का प्रयत्न करने वाले हो तो ही। निक बिल्टन ने कहा कि मेरे हाथ में से ऑलमोस्ट स्पून छूट गई कि स्टीव क्या बात करते हो। उन्होंने कहा, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ बैठे और कहा कि देखो आईफोन आपको चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी के पास है, तो ये रहा आपका आईफोन, लेकिन ये मैंने बनाया इसलिए इसमें ताकत क्या है वो मुझे पता है। जब तक आप मच्योर एज में नहीं आ जाएंगे तब तक आप इसमें से आपकी पढ़ाई बिगाड़ सकते हो, आप अपना कैरेक्टर बिगाड़ सकते हो, आप अपना भविष्य बिगाड़ सकते हो। हमको नहीं देना ऐसी बात नहीं है, ये आपके लिए लाए हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग देनी है। और हमारी इच्छा है कि आप मच्योर एज में आ जाए, 17, 18, 19 में आ जाए, तभी आपको देंगे। दोनों बच्चे समझ गए, माता और पिता ने प्रेम से समझाया तो समझ गए, और उन्होंने जब तक मच्योर एज में नहीं आए तब तक फोन, आईफोन का उपयोग नहीं किया, एक सादा फोन यूज करते थे स्टीव जॉब्स के बच्चे। और आपको ये लगता है कि मेरे लड़के और लड़की 15 हो गई, 16 हो गए, उनको एक आईफोन तो बर्थडे पे देना पड़ेगा, तो आप बुद्धिशाली हो, परिवार को, बच्चों को ज्यादा जानते हो। स्टीव जॉब्स मूर्ख थे, जानते नहीं थे, ऐसा है?